नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों थर्मोकपल के बारे में। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे कि थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, थर्मोकपल में दो जंक्शन हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन क्या होते हैं, थर्मोकपल का मेजरमेंट कैसे होता है, कैसे वो मिलीवोल्ट जनरेट करता है, कौन कौन से उसमें दो वायर होते हैं, एल्यूमेल होता है, क्रोमेल होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाला नहीं हूँ, मैं आज बात करने वाला हूँ कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग, कि थर्मोकपल में जो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन जो दो जंक्शन होते हैं, ये दोनों कैसे हम लोग कॉम्पनसेट करके टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये सारा पढ़ लिया होगा कि हॉट जंक्शन बनता है, एक कोल्ड जंक्शन बनता है। बट हॉट जंक्शन तो आपको पता है कि जो वहां पे आपका थर्मोकपल इंस्टॉल है फील्ड में प्रोसेस में, ये तो आपका हॉट जंक्शन यहाँ पे बन गया। लेकिन कोल्ड जंक्शन कहाँ पे आपका क्रिएट होता है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपको यूट्यूब में, पूरे गूगल में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग को मिलता रहे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट अपना ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, और ये हमारा प्रोजेक्ट है, और मैंने डीसीए सिस्टम सीरीज पे ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट अपने आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों फाइनली प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं अपने हार्डवेयर में, जहां पे हम लोग थर्मोकपल के वायर कनेक्ट करेंगे कार्ड्स में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर्स में, यहाँ पे चलते हैं हार्डवेयर में, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे हैं, AI835, AI835A। तो ये पहले ये कार्ड आता था AI835, ठीक है, ये थर्मोकपल के लिए कार्ड्स है, और ये AI835A ये थोड़ा अपग्रेड कार्ड है, ठीक है। तो मैं किसी एक में लेकर चलता हूँ आपको, चलिए AI835 में चलते हैं। तो इस कार्ड्स को मैंने ओपन कर लिया, ये हमारा थर्मोकपल का कार्ड है दोस्तों। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक चैनल असाइन कर रखा है टेम्परेचर का, मेन स्ट्रीम टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वहां पे चलते हैं। जब हम लोग फील्ड साइड से, हमारा हॉट जंक्शन वहां क्रिएट हो गया फील्ड साइड में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाते भी चलता हूँ, बताते चलता हूँ। तो जो आप फील्ड में, यहाँ पे मान लीजिए थर्मोकपल आपका इंस्टॉल है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रोसेस लाइन में थर्मोकपल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका हॉट जंक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, ये हॉट जंक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। अब आपको एक जगह कोल्ड जंक्शन भी तो चाहिए, रेफरेंस भी तो चाहिए, तभी तो आपका मेजरमेंट एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेसी आएगी आपके टेम्परेचर में। वो कोल्ड जंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ क्रिएट करते हैं, तो जो कोल्ड जंक्शन होता है आपका, वो आपके डीसीएस पैनल में जहाँ कार्ड्स लगे होते हैं वहां पे हम लोग कोल्ड जंक्शन क्रिएट करते हैं। अगर आपका टेम्परेचर थर्मोकपल से डायरेक्ट डीसीएस में आया है, तो अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ है, कोई टीटी लगा हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, तो आपका कोल्ड जंक्शन यहीं पे बन जाएगा इसी ट्रांसमीटर में, और ये ट्रांसमीटर 4 to 20 mA, तो फिर यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके एआई कार्ड्स में आएगा वो सिग्नल। बट अगर आपका डीसीएस तक डायरेक्ट थर्मोकपल से वायर आया हुआ है आपके कंट्रोल रूम तक, तो आपको कोल्ड जंक्शन आपके कार्ड्स में यहाँ पे होता है और क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलरेडी इन कार्ड्स में आपके ऑप्शन रहता है, तो क्या क्या ऑप्शन रहता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे कनेक्शन में, मैंने एक नंबर इनपुट पे अपने जो हमारा थर्मोकपल है जो फील्ड से आ रहा है उसको यहाँ पे मैंने एक नंबर चैनल पे असाइन कर दिया। तो इसकी सेटिंग में क्या क्या मिलता है आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ग्रिड फ्रिक्वेंसी मिलेगा 50 Hz, फिक्स जंक्शन टेम्परेचर 25, अगर आप चाहते हो मैनुअली 25 डिग्री, आपको मालूम है कि आपके जो कंट्रोल रूम का जो टेम्परेचर होता है जनरली 25 डिग्री के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैनुअली कुछ वैल्यू पुट करना है तो आप यहाँ पे 25 डिग्री पुट कर दीजिए, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमको भाई कुछ एक टेम्परेचर पे कंपनसेट करना है, जो हमारा एक्चुअल में जो कंट्रोल रूम का या पैनल रूम का जो टेम्परेचर चल रहा है, तो उसको कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे,
कोई भी टाइप का आपका थर्मोकपल है, यहाँ पे अगर के टाइप का है, जे टाइप का है, ई टाइप का है, सी टाइप का है, बी टाइप का है, विथ रेंज यहाँ पे आपको मेंशन है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कोई मिली वोल्ट ले रहे हो यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। डी टाइप का है, एल टाइप का है, यू टाइप के, बहुत सारे टाइप्स के थर्मोकपल हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे मोस्टली जो यूज होता है के टाइप थर्मोकपल होता है, तो मैं यहाँ पे के टाइप थर्मोकपल एक नंबर चैनल पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक नंबर चैनल पे ही मैंने अपना यहाँ पे कनेक्शन लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक नंबर चैनल पे मैंने ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और के टाइप का थर्मोकपल यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन चैनल 1 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कोल्ड जंक्शन का कंपनसेशन चैनल 1 पे इसका कैसे करना है आपको, ठीक है। कहाँ से आपको रेफरेंस चाहिए कोल्ड जंक्शन का, तो यहाँ पे आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 पैरामीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक मिलेगा मेजर्ड वाया चैनल 8, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक है फिक्स्ड एज पैरामीटर, तो अगर आप फिक्स एट पैरामीटर कर देंगे तो जितना भी यहाँ पे मान लीजिए फिक्स कर दिया, और यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, आप यहाँ पे 20 अगर डाल देंगे तो 20 के अकॉर्डिंग करेगा ये, आपका 20 डिग्री यहाँ पे कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमारे पैनल रूम का जो टेम्परेचर वेरी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपनसेट हो, तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए दूसरा भी ऑप्शन है, यहाँ पे है कि मेजर्ड वाया चैनल 8। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ मेजर्ड वाया चैनल 8, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सेंसर टाइप चैनल 8 में जाएंगे, और यहाँ पे आपको कोई पीटी लगा दीजिए, ठीक है, आरटीडी लगा दीजिए आप, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं PT 100 एक लगा देता हूँ 8 नंबर चैनल पे, तो अभी क्या होगा आपके जैसे 8 चैनल हैं आपके कार्ड्स में, तो जो 8 नंबर चैनल होगा ना फिक्स हो जाएगा। अब आपके जो फील्ड से जो 7 ही चैनल आपको बचेंगे, क्योंकि 8 नंबर चैनल आपने रेफरेंस के लिए कोल्ड जंक्शन के लिए ले रखा है, तो अब वहां पे आप बाहर से जो फील्ड से वायर है वो नहीं, आप यहाँ थर्मोकपल नहीं कनेक्ट कर पाओगे, तो 1 चैनल आपका यहाँ पे मतलब बिजी हो गया, ठीक है, ये इसी में फिक्स हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे PT 100 लगा देते हो तो क्या होगा कि PT 100 आप पैनल में, अपने पैनल रूम में कहीं भी आप उसको कर दीजिए, अब वो रिफरेंस जो है वो कोल्ड जंक्शन उसके अकॉर्डिंग अब जो है हमारा टेम्परेचर कॉम्पनसेट होगा, ठीक है। और तीसरा एक और ऑप्शन है इसमें, तीसरा ऑप्शन कौन सा है आपका, रिमोट कोल्ड जंक्शन कॉम्पनसेशन का, ये भी है रिमोट कोल्ड जंक्शन, अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, कौन कौन से फिर से मैं बता देता हूँ। एक है मेजर्ड वाया चैनल 8, तो चैनल 8 में आप यहाँ पे कोई भी RTD लगा दीजिए या कोई भी थर्मोकपल लगा दीजिए, उसका रिफरेंस आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने सेंसर 8 में ये कर दिया, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि भाई यहाँ पे मेजर्ड वाया चैनल कोल्ड जंक्शन कॉम्पनसेशन मैंने कर दिया, कि जो 8 नंबर चैनल पर जो टेम्परेचर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ये कॉम्पनसेट होता रहेगा 1 नंबर चैनल। अब आप चाहते हो सारे के सारे ऐसे ही करना चाहते हो तो सारे में ही सेलेक्ट कर लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमको फिक्स टेम्परेचर चाहिए, हमको नहीं RTD लगाना है, हमको मालूम है कि हमारे पैनल का टेम्परेचर 25 डिग्री रहता है, तो आप यहाँ पे फिक्स एज पैरामीटर कर दीजिए, और यहाँ पे आप टेम्परेचर कुछ जो भी रहता है आपका 25 20 जो भी है वो यहाँ पे आप फिक्स कर दीजिए, तो आपका उसके अकॉर्डिंग कोल्ड जंक्शन कॉम्पनसेट जो है वो होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोल्ड जंक्शन का कॉम्पनसेशन करते हैं थर्मोकपल के लिए, जब हम DCS में हम लोग वैल्यू देखते हैं। इससे क्या होता है, जो कॉम्पनसेशन से क्या होता है, हमारा जो एरर है वो मिनिमाइज होता है, हमारा एरर नहीं रहता है। अगर आप कॉम्पनसेट नहीं करेंगे तो आपका एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका टेम्परेचर रीडिंग एक्चुअल नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये सारा का सारा ये कॉम्पनसेट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि थर्मोकपल RTD के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि थर्मोकपल कैसे होता है, RTD क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, कैसे हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों कमेंट जरूर करके बताया कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आप लोग के एक एक कमेंट्स के एक एक लाइक से। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।